हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूं सलोनी काल्ट्रा एंड यू आर वाचिंग योर डेली गर्ल अब्रॉड. और आज हेलो की जगह अलोहा बोलेंगे बिकॉज वी आर इन मावी हवाई. द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डन यहाँ पर आके इज वी हैव बॉट सम स्नैक्स फॉर आवर रोड ट्रिप. सो दिस इज़ द फ्लेवर दैट वी हैव गॉटन फॉर द पोटैटो चिप्स. इट्स कॉल्ड द मावी स्वीट अनियन फ्लेवर. एंड हम लोगों की यहाँ पर जो फ्लाइट थी वो अलास्का एयरलाइंस की थी और अलास्का एयरलाइंस से भी हमें स्वीट अनियन फ्लेवर्ड प्रेट्ज़ल्स दिए थे. सो दे यूजुअली गिव अस प्रेट्ज़ल्स ऑन द डोमेस्टिक फ्लाइट्स, बट क्योंकि ये मावी की फ़्लाइट थी सो उन्होंने मावी स्पेशल स्वीट अनियन फ्लेवर्ड प्रेट्ज़ल्स दिए थे. सो स्वीट अनियन इज़ वन ऑफ द फ्लेवर्स दैट यू गेट इन मावी. ओह माय गॉड, यहाँ पे कैट्स हैं. गार्ड ये कोई बात नहीं, मतलब चल सकते हैं. सॉरी आई जस्ट सेड स्टॉप बट वी गॉट टू एक्साइटेड. ओके सो हमें यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रे कैट्स दिख रही है मावी में. अभी हम लोग कनाहा बीच पे जा रहे हैं सनसेट देखने के लिए एंड देर हमें रास्ते में इतनी सारी कैट्स दिखी एंड नाउ वी ऑल्सो रियलाइज कि हमारे हॉस्टल में भी दो कैट्स थी तो हमें लगा कि मे बी कैट्स है बिकॉज हॉस्टल वालों ने पाली है, बट ऐसा नहीं है. यहाँ पे जगह जगह स्ट्रे कैट्स दिख रही है. ऑलराइट, सो लेट मी गिव यू अ लिटिल फिट चेक विद द लिटिल कैट इन द बैकड्रॉप. So I got this top from Old Navy and I got this skirt from Mango. My mom got it for me and I got this bag from Ross. Oh my god, there are just so many cats. There's like one here, one there, then one there as well. I never expected cats, dude. But yeah, this is the vibe. Kanaha beach ka. And let's go to the beach for the sunset. Oh my god, this is so pretty. The sunset is so pretty. Just dude. So that is a volcano actually. और मतलब मैं आपको थोड़ा बताती हूँ कि हम लोग अभी है कहाँ पर. हवाई, अगर आपको नहीं पता है सो हवाई US की टेरिटरी में आता है बट वो US में है नहीं. US से आपको 6 घंटे लेफ्ट पे जाना पड़ता है समुद्र में. इट्स दी पैसिफिक ओशन. तो आपको पैसिफिक ओशन 6 घंटे लेफ्ट जाना पड़ता है एंड देन देयर इज दिस स्मॉल मास ऑफ लैंड, स्मॉल आइलैंड्स एंड उसका ये आइलैंड है मावी. एंड हैज ऑल दिस सैंड. इट्स जस्ट सो प्रिटी. आई एम सो ग्लैड आई एम हियर. आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, ये तो बहुत ख़राब हो गया, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, बट गेस व्हाट, यू कैन ऑलवेज कम टू मावी और लाइक योर इक्विवेलेंट ऑफ व्हाटएवर यू हैड ऑन योर लिस्ट कि मैं ये करूँगी या कभी मेरा मन था. एंड व्हेन यू डू इट, व्हेन यू एक्सपीरियंस इट, डूड इट्स सो वर्थ इट. लाइक कुछ भी और नहीं है, लाइक लाइफ इज़ ऑल अबाउट, आई फॉर मी It's just about going to places and seeing sick things, dude. This is so sick. Oh my god, look at that volcano and the sun setting behind it. And these rocks and whatever. And my outfit. I like my outfit. And like this nose ring that my mom got me. And with all of this, I'm living it. I'm living it. It is so peaceful, so peaceful. There's just no one on the beach, like at all. I mean, it sounds weird, but I really needed this, and I'm
Wow. Like, I can do anything here, okay? I can do a cartwheel and like fall down and nobody would care. Koi hai nahi. But still, I don't feel lonely, like I'm alone in this place, but I don't feel lonely. So that is the whole city of Maui, जो अब लाइट अप हो गई है. और उसके पीछे वो जो पहाड़ है, दैट इज़ द वॉल्केनो जिसके पीछे सनसेट हुआ है. आई मीन दिस सीन कुड नॉट हैव गॉटन एनी बेटर. पहले वो सनसेट वॉज सो प्रिटी एंड देन धीरे धीरे करके द सिटी लिट अप, विच इज़ सो 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 प्रिटी. और यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, मतलब तुम किसी से भी बात करोगे ना यहाँ पे, जैसे कोई भी काम है तो सियाटल में क्या होता है ना कि दे आर लाइक क्विक टू सर्व यू एकदम से. जैसे कस्टमर केयर पे जाओ तुम या कुछ किसी से बिलिंग कराओ और समथिंग, सो वैसे रुक के बात नहीं करते. देर भी लाइक लो और आगे आगे चलो, आपको भी काम होगा. बट यहाँ पे एवरीबडी इज़ वेरी ऐसा रिटायरमेंट टाइप वाइब में. दे आर ऑल लाइक अच्छी ऐसे बातें समझाने बैठ जाएंगे या वेट करने बोल देंगे और समथिंग. मतलब सब पे टाइम है. हम लोग जब आए थे ना तो हमने आके भी पूछा एक से कि कार रेंटल कंपनी कहाँ पे है. हमने एविस से कार रेंट करी है. सो दैट गाय, और हम लोग थोड़े जल्दी में दिख रहे थे विद ऑल द सूटकेसेस, एंड द गाय वाज लाइक कि आगे जाके राइट लेना एंड टेक योर टाइम. सो दैट्स द वाइब ऑफ माउई, टेकिंग योर टाइम. सो वी आर टेकिंग माई टाइम, वी आर टेकिंग टाइम. गुड थिंग्स टेक टाइम. हमने ये क्रैब्स देखे यहाँ पे. हाँ, शो द वीडियो विद द आई. जैसे दे हैव लाइक ऐसे दो आंखें. अरे यहाँ पे भी घूम रहे हैं वो. रे वो मूव होता हुआ दिख रहा है अगर आपको तो, पानी के पास वो मूव हो रहे हैं. यार मैंने कभी नहीं सोचा था मैं लाइव ऐसे केकड़े देखूंगी. ओह शिट, ये भाग रहे हैं, ये बहुत फास्ट है. ओह ये क्या था? अच्छा पता था मुझे, लगा ये क्या भाग रहा है. शिट डूड, यहाँ पे क्रैब्स है. ये अभी अभी निकले हैं सारे. ये दोनों क्रैब्स ही है. वाह कहाँ आ गए, पता नहीं कहाँ ही आ गए हैं. ऑलराइट, सो दिस इज अभिषेक. हेलो. सो अभी हम लोग कहाँ पे अभिषेक बताएंगे. ओके, वी हैव कम टू दिस क्यूट लिटिल टाउन कॉल्ड पाया. इट्स नियर टू द कान्हा बीच. कान्हा बीच पार्क देयर. सो कान्हा बीच का हम सबसे पहले बनाना बंगलो से, दैट वाज आवर हॉस्टल. सो बनाना बंगलो से कान्हा बीच वाज लाइक 13 मिनट्स एंड देन दिस वाज अनदर 13-15 मिनट्स. या एंड दिस इज वन ऑफ द क्यूटेस्ट टाउन्स इन माउई. Right. We have come to check out a dinner place called Flatbread Company. It's right here. Ta-da! So they have really nice freshly made flatbread pizza. So we have to try it. And the rest of this is how all of the handcrafts and sare souvenir shops. And this is a hotel. So here there are a lot of eateries and aise cute cute things. So let's see how the food is. Let me give you a little vibe check and a little fit check. Fit check to ho gaya tha, just the vibe check. This is so shiny and I'm so happy wearing it. I feel so sparkly and girly and I like it. I like my outfit. My mom, okay, so I think I don't give her enough credit for all of the things that I have. Jitne bhi mere paas cute things hai from this bag, she pushed me to buy it. From this nose ring, मैंने उनकी चुराई है. And this clip, the pink clip, everything, it's all her. It's all her. We got the pizza. And our pizza just arrived. This is the vegan pizza. It's 16 inches. I'll show you a picture of how big it is. Do you want to say hi?
Thank you. So this is how यहाँ पे बना रहे हो, इन्होंने से तंदूर, इनका हमारे नान का तंदूर होता है, इनके पिज्ज़ा का तंदूर है. Such a cool place, man. This is not specifically related to this video, but here's a quick announcement that I am in Hawaii for 5 days, so I'm gonna make one vlog for each day, and I'm gonna make a playlist. So aapko ye video ke har Hawaii ki video ke end pe you will see the playlist. So if you wanna like get an itinerary or idea, so you can watch like the playlist for all of the things that I did day by day in Hawaii, in Maui. If you like this, then please subscribe to my channel. I'll make more content, and whenever I go on any new places, I try to vlog it. So yeah, it might help you, or you might just want to support me on my travels. So please like it and subscribe to my channel, and I'll see you guys on my next travels.